Hello everyone. So let's start our chapter number 12, that is friction. In previous chapter, we have already studied that friction is a type of force which falls in the category of contact forces and which resist motion. Means friction beta wo force hai jo kisi bhi cheez ko move hone se rokta hai. But before starting of the chapter, I would like you all to recall some of the daily life experience. For example, have you ever noticed a moving ball on the ground surface stops after some time? Means, कोई भी ball जो floor पे roll हो रही होती है या move हो रही होती है, थोड़े time बाद वो अपने आप रुक जाती है. You also slow down your bicycle by applying brake. Means, आपकी bicycle एक speed में चल रही होती है, आप उस पर brake apply करते हो और after some time वो जो आपकी bicycle होती है वो भी क्या हो जाती है, रुक जाती है. Have you ever thought why a moving ball or a speeding vehicle slows down when brakes are applied? क्या आपने कभी सोचा है कोई भी चलती हुई चीज या मूव होती हुई बॉल या फिर एक स्पीडिंग व्हीकल अपने आप रुक जाता है जब उस पर ब्रेक्स अप्लाई होते हैं? व्हाई डू यू स्लिप व्हेन यू स्टेप ऑन अ बनाना पील? व्हाई डू वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ वेट फ्लोर? सो टू फाइंड आउट आंसर्स ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस, लेट्स स्टडी दिस चैप्टर. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी फ्रिक्शन. Means what is friction? Causes of friction. Means how friction is caused. Types of friction. Measuring friction. Factors affecting friction. Friction a necessary evil. And importance of friction and friction in fluids. But today we will cover only these two topics, that is friction and causes of friction. So, let's continue our chapter by taking some more daily life examples. When you roll a ball on the ground, it stops after traveling some distance. Why is it so? You applied force on it to make it move, but still it comes to stop. Means, कोई भी ball बच्चे floor पे आपने देखी, आपने उसे kick करा. जब आपने उसे kick करा, तो आपने उसके ऊपर muscular force apply करा और उसको मूव करा. लेकिन आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस द बॉल कम्स टू स्टॉप बाय इटसेल्फ, राइट? कंसीडर अनदर सिचुएशन. अ मैन पुशेस अ हैवी अलमीरा बट इट डज नॉट मूव. मींस आपके सामने कोई बड़ी सी कबर्ड है या बड़ी सी अलमीरा रखी है, आपने उसको हल्का सा पुश किया, वो मूव नहीं हुई. व्हाट हैपेंड टू द फोर्स द मैन अप्लाइड? मींस आप ने जो उस पर फोर्स लगाया था, उस फोर्स का क्या हुआ अगर वो अलमीरा मूव नहीं हुई तो? हाउ कुड अ फोर्स एक्ट ऑन एन अलमीरा विदाउट शोइंग एनी इफेक्ट? अगर अलमीरा वहां से नहीं हिली तो इट मींस अकॉर्डिंग टू एनी ऑब्जर्वर आपने उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया ही नहीं. सो द आंसर टू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस इज फ्रिक्शन. अब ऐसा क्यों होता है या ऐसा क्यों नहीं हुआ, इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो क्या है, हमारा फ्रिक्शन. सो लेट्स स्टडी अबाउट फ्रिक्शन. व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज अ नेचुरल फोर्स दैट रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन ऑफ टू सरफेसेस इन कांटेक्ट. मींस फ्रिक्शन एक नेचुरल फोर्स है. रेजिस्ट मींस टू प्रिवेंट समथिंग, किसी चीज को होने से रोकना. तो कोई भी चीज, दो चीजें जो आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, उनको मूव होने से जो फोर्स रोकता है वो फोर्स आपका कौन सा होता है? फ्रिक्शन. इट इज ऑलवेज एक्सर्टेड इन अ डायरेक्शन दैट अपोजिस मोशन. मींस मोशन जिस डायरेक्शन में होने वाला है, फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है. क्यों? क्योंकि वो मोशन को होने से रोकता है. इफ वी आर अप्लाइंग मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, देन फ्रिक्शन विल एक्ट ऑटोमेटिकली इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट.
So what will be the direction of friction? It will always opposite to the motion. So the ball stops due to the friction acting between the ball and the ground. अब वो जो बॉल जो ग्राउंड पे मूव कर रही थी वो अपने आप क्यों की फ्रिक्शन की वजह से जो कि ग्राउंड और बॉल के सरफेस के बीच में क्या कर रहा था एक्ट कर रहा था. सिमिलरली द फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द बेस ऑफ एन अलमीरा एंड द फ्लोर प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग. मीन्स आपने अलमीरा को हल्का सा पुश करा था वो अलमीरा मूव नहीं हुई थी. वो क्यों नहीं मूव हुई थी? क्योंकि आपके थ्रू लगाने वाला जो फोर्स था वो फ्रिक्शन के फोर्स से कम था जो कि उस अलमीरा को वहां से मूव नहीं कर पाया. इन दिस केस द फ्रिक्शन इज लार्ज एंड इन ऑर्डर टू ओवरकम इट एंड मेक द अलमीरा मूव इधर अ लार्ज फोर्स इज टू बी अप्लाइड और सम अदर मीन्स आर टू बी यूज्ड. मीन्स अगर हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन को ओवरकम करें मतलब फ्रिक्शन से हम जीत जाए तो उस केस में हमें अलमीरा पे या तो फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या फिर किसी और तरीके को अपनाना पड़ेगा. राइट. आफ्टर दिस लेट्स स्टडी. फ्रिक्शन इज एन इवल फॉर ऑल मोशंस. मींस जितने भी मोशंस होते हैं फ्रिक्शन उन सभी का क्या है? एक दुश्मन है. नो मैटर विच डायरेक्शन समथिंग मूव्स इन फ्रिक्शन ऑलवेज पुल्स इट इन द अपोजिट डायरेक्शन. जैसा कि मैंने बच्चों आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी चीज किस डायरेक्शन में मूव कर रही है फ्रिक्शन हमेशा उस चीज को मूव होने से रोकेगा और उस चीज के डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट में क्या करेगा? एक्ट करेगा. सो फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट स्लोज डाउन मोशन एंड डैम्पेंड एनर्जी. डैम्पेंड मीन्स रिड्यूस. फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी चीज के मोशन को भी स्लो करता है और उसकी एनर्जी को भी क्या करता है? रिड्यूस करता है. फ्रिक्शन कैन ट्रांसफॉर्म द एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इनटू हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी. फ्रिक्शन जो होता है वो किसी भी मूविंग बॉडी की एनर्जी को हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट कर देता है. कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. यू रब योर हैंड्स अगेंस्ट ईच अदर टू वार्म देम अप इन चिल्ड विंटर मॉर्निंग्स. आप सबने देखा होगा जब बहुत ठंड होती है आप सभी अपने हाथों को रब करते हैं. अब क्योंकि आपके दोनों हाथ आपके एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं तो वाइल रबिंग उन दोनों के बीच में क्या एक्ट कर रहा होता है? फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की वजह से जो आपकी मस्कुलर एनर्जी होती है वो उस टाइम किस में कन्वर्ट हो रही होती है? हीट एनर्जी में. सेकेंड एग्जाम्पल. To light a matchstick, you rub its head on the rough side of the matchbox. Thus, heat is generated and the combustible material on the matchstick head starts to burn. Means, जब हम एक matchstick को rub करते हैं matchbox की side में, उस time क्या होता है? जब हम उसे rub करते हैं तो उस time उसमें friction होता है. Friction की वजह से उसमें heat generate होती है. Heat की वजह से वो जो जलने वाली चीज होती है जो आप black color का top पे आपने देखा होगा matchstick पे, कंबस्टिबल मटेरियल मतलब विच कैन कैच फायर, तो वो मटेरियल क्या करता है? हीट की वजह से अपने टेम्परेचर को अटेन करता है और अपने आप बर्न होना स्टार्ट कर देता है. व्हेन विंड ब्लोस थ्रू अ ट्री द ट्री इम्पीड्स द फ्लो ऑफ द विंड. मींस कोई भी हवा जब एक ट्री के थ्रू होते हुए निकलती है तो जो ट्री होता है वो उसके फ्लो को कंट्रोल करता है या ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है. इम्पीड्स मतलब टू ऑब्स्ट्रक्ट. This causes the wind to slow down, जिसकी वजह से विंड की स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है. Friction takes away some energy from the wind and transforms it into noises of leaves and branches as the wind blows through it. Means जब हवा एक ट्री के थ्रू पास हुई तो उस टाइम रबिंग की वजह से उनके बीच में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था. फ्रिक्शन ने उस विंड की एनर्जी में से कुछ एनर्जी को ले लिया और उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया लीव्स की नॉइज में, ब्रांचेस की नॉइज में, जैसे ही हवा उसके थ्रू क्या हुई? पास हुई. सो दिस इज हाउ फ्रिक्शन ट्रांसफॉर्म एनर्जी
into heat and sound energy. After this, we will study about causes of friction, means friction होने का reason क्या है. All objects, however smooth they may appear, when viewed microscopically, have millions of minute irregularities on their surfaces. Means, कोई भी चीज बेटा दिखने में जितनी भी स्मूथ होती है, जब हम उसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं तो उसके अंदर मिलियंस ऑफ माइन्यूट मींस वेरी वेरी स्मॉल इरेगुलरिटीज उसके सरफेस पर पाई जाती हैं. द इरेगुलरिटी और द रफनेस ऑफ द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल. मींस इरेगुलरिटी और रफनेस जो होती है वो मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है. मींस अगर कोई मटेरियल स्मूद होगा तो उसमें इरेगुलरिटी कम होगी और उसकी रफनेस भी क्या होगी, कम होगी. लेकिन अगर किसी मटेरियल की इरेगुलरिटी ज्यादा होगी तो वो मटेरियल रफ भी ज्यादा होगा और उसके अंदर इरेगुलरिटी भी क्या होंगी, ज्यादा होंगी. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन अ सरफेस, इट्स वेट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट एंड सम ऑफ द इरेगुलरिटीज गेट इंटरलॉक. मीन्स जब भी हम किसी एक सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का जो भी वेट होता है या जो भी मास होता है वो उस सरफेस के ऊपर पर्टिकुलर एरिया पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से जितना एरिया कॉन्टैक्ट में है उनकी जो इरेगुलरिटीज होती है वो इंटरलॉक्ड हो जाती है एंड उनमें क्या एक्ट करता है, फ्रिक्शन. इन ऑर्डर टू मेक द ऑब्जेक्ट मूव, enough force is required to open the interlocking. Also, the more be the irregularities, the more interlocking is there and hence the greater is the friction. Means, जितनी irregularities ज़्यादा होंगी बेटा, उतनी वो जो irregularities होंगी वो एक दूसरे से ज़्यादा interlock होंगी और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, friction होगा. अब इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज को मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाना चाहूंगी. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो एक बॉक्स एक सरफेस के ऊपर रखा है, राइट. अगर मैं इसको थोड़ा मैक्रोस्कोपिक व्यू में देखूं, मींस बड़ा करके देखूं, तो ये सरफेस ऑफ बॉक्स है और ये सरफेस ऑफ ग्राउंड है और इनके बीच में कुछ इरेगुलरिटीज है. अब ये जो इरेगुलरिटीज है एक दूसरे के साथ क्या हो गई है, इंटरलॉक्ड हो गई है, मतलब क्रॉस हो गई है, जिसकी वजह से जो बॉक्स होगा इस सरफेस के ऊपर मूव होने से रुकेगा. तो ये जो इंटरलॉकिंग है इरेगुलरिटीज की, दीज इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज कॉजेस फ्रिक्शन. दिस फिनोमिना इज सेम इज लाइक दिस इमेज, जिसमें जब हम अपनी फिंगर्स को एक दूसरे के साथ क्रॉस कर लेते हैं तो हमारी जो फिंगर्स होती है वो एक तरीके से क्या हो जाती है, एक दूसरे के साथ इंटरलॉक्ड हो जाती है. तो जब हम इस इंटरलॉकिंग को खोलते हैं तब हम एक दोनों हैंड्स जो होते हैं वो हमारे फ्री हो पाते हैं. सेम उसी तरीके से जब किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरलॉकिंग सरफेस के साथ खुलेगी तभी वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो सरफेस के ऊपर मूव हो पाएगा. आई होप हेयर यू आर क्लियर विद द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन. एंड सो टुडे वी हैव लर्न दैट फ्रिक्शन फोर्स रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. Friction is caused due to irregularities of two surfaces in contact. So by this, we end up our today's class. Thank you so much, everyone.